वेल हेलो गाइस, तो कैसे है आप लोग। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि पोकेमोन की दुनिया पूरी तरह से मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। तो यस गाइस, आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं कुछ मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। एंड इनमें से कुछ मिस्ट्रीज तो सॉल्व हो चुकी है, बट अभी भी कुछ मिस्ट्रीज ऐसी है जो कि अनसॉल्व है, और इन्हीं सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले। और हाँ, अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक जरूर से लाइक कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। द क्रिएशन ऑफ पोकेमोन वर्ल्ड। तो गाइज, पोकेमोन की दुनिया बहुत बड़ी है, बट अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि आखिर इस दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ या इसे क्रिएट किसने किया। बाय द वे, सभी लोग तो मानते हैं कि आरसिस ने इसे क्रिएट किया है, बट ये एक मिथ भी हो सकता है। अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर पोकेमोन की दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ। बट इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज भी है, तो उन्हीं में से कुछ थ्योरीज के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली थ्योरी के बारे में बात करें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग काफ़ी सालों पहले जब इंसान थे कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियर पर काफ़ी सारे रिसर्च किए, जिस वजह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से वहाँ पर जितने भी एनिमल्स थे, यानी कि अर्थ पर जितने भी एनिमल्स थे, उन सबके पास पावर आ गई, जिसके बाद उन्हें पोकेमोन कहा गया। तो अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी थ्योरी की तरफ। तो एनिमे और पोकेमोन गेम्स में ये थ्योरी बताई गई है कि जब पूरी दुनिया में कुछ नहीं था, तब आरसीएस सडनली अपीयर हो गया और उसने सारे अर्थ बनाए, सारे स्टार्स बनाए और काफ़ी सारे पोकेमोन्स को क्रिएट किया, जैसे पालकिया, डायलगा, और उन पोकेमोन्स ने काफ़ी कुछ वाटर, मतलब ऐसी कई सारी चीज़ों और पोकेमोन को क्रिएशन किया। और देखा जाए तो इन दोनों थ्योरीज में ऑब्वियसली जो पहला थ्योरी है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वालों को थोड़ा लगता है, बट जो एनिमे और गेम्स में बताया गया है वो कहीं ना कहीं सच लगती है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, इसको लेकर एक और थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो पोकेमोन है वो एलियंस है, यानी कि वो आउट ऑफ द प्लैनेट आए हैं, वो अर्थ के नहीं है, वो अलग एक प्लैनेट से शिप की मदद से आए हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा पोकेमोन के एक एपिसोड में ब्रॉक कहता है कि जो मून स्टोन है उसमें सारे पोकेमोन बैठकर अर्थ में आए हैं। वैसे इसमें भी लॉजिक थोड़ा कम यूज़ किया गया है, मुझे लगता है ये सच हो भी सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या पोकेमोन एलियंस है? Why Ash Age is not growing? तो गाइज, पोकेमोन की दुनिया में काफ़ी सारे मिस्ट्रीज छुपी हुई है, बट ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती, ऐश की एज अभी तक 10 साल क्यों है, ये अभी भी पोकेमोन की दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। वैसे ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती, इसको लेकर काफ़ी सारी थ्योरीज बनाई गई है, बट गाइज इसमें से जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो ऐश है वो एक्चुअल में कोमा में है। आप लोग याद होगा कि पोकेमोन के फर्स्ट एपिसोड में जब पिकाचू थंडरबोल अटैक करता है स्पैरोस पर, उस लाइटनिंग शॉक की वजह से ऐश भाई पे कोमा में चला जाता है। और अभी तक ऐश ने जितने भी सफ़र किए, जितने भी जर्नीज किए, अलोलन जीता है और अभी जर्नीज कर रहा है पोकेमोन गैलरीज में, वो सभी ऐश एक्चुअल में कोमा में रहकर सपने के अंदर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। गाइस, क्या आप लोगों को लगता है कि ये सच हो सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो हमारी अगली थ्योरी है वो इस थ्योरी को पूरी तरह से बदल के रख देती है। तो गाइज, आप लोगों को याद होगा कि पोकेमोन के एनिमे, यानी कि पोकेमोन के सन एंड मून में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर कुकुई की मैरिज, और मैरिज के बाद उन्हें एक बेबी भी होने वाला था, बट सन एंड मून खत्म हो गया पर हमें प्रोफेसर कुकुई की बेबी देखने को नहीं मिली। बट गाइज, इसके बाद पोकेमोन जर्नीज में जब ऐश वापस से सन एंड मून, यानी कि अलर रीजन में गया और प्रोफेसर कुकुई से उसकी मुलाकात हुई, तब जाकर हमें प्रोफेसर कुकुई की डॉटर, यानी कि सन जो भी हो, वो हमें देखने को मिली, और वो एक ईयर यानी कि एक साल की तब तक हो चुकी थी। एंड गाइज, इससे ही पता चलता है कि जो पोकेमोन के एनिमे में एज बढ़ती है, और इससे ही हमें पता चलता है कि जो पहली वाली थ्योरीज है, यानी कि जिसमें बताया गया कि ऐश कोमा में है, वो सच नहीं है। प्रोफेसर कुकुई की जो बेबी होती है वो एक साल की कैसे हो सकती है, क्योंकि कोमा में रहकर एज नहीं बढ़ती। तो ये बात प्रूव करती है कि जो ऐश है वो कोमा में नहीं है। और गाइस, कहीं ना कहीं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सन एंड मून के बाद
पोकेमोन जर्नीज में जो हमें ऐश देखने को मिला है उसकी एज कहीं ना कहीं एक साल हमें थोड़ी बड़ी नजर आती है। क्या आप लोगों ने इस बात पर नोटिस किया और क्या लगता है कि ये बात सच है? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वाई ऐश पोकेबॉल थ्रो लाइक दिस स्टाइल? तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा ऐश एक स्पेसिफिक स्टाइल में पोकेबॉल को फेंकता है, और ऐसा ऐश तब करता है जब वो या तो पोकेमोन को बैटल में उतारने वाला होता है या किसी पोकेमोन को पकड़ने वाला होता है। और ज़्यादातर ये स्टाइल ऐश कैंटो और जोटो में यूज़ करता था। हालांकि रिसेंटली जो पोकेमोन जर्नीज की सीरीज़ में उसने ये स्टाइल यूज़ करना थोड़ा कम कर दिया है, बट फिर भी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ऐश ऐसे स्टाइल को यूज़ क्यों करता है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, स्कूल टाइम पर ऐश को स्टडीज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि उसे बेसबॉल खेलना ज़्यादा पसंद था। अगर बेसबॉल आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने किसी न किसी एनिमे में बेसबॉल का रेफरेंस तो देखा ही होगा, फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ कि एक बेसबॉल है जो कि काफ़ी कुछ क्रिकेट की तरह ही होता है। इसमें एक प्लेयर होता है जो कि बॉल थ्रो करता है और एक प्लेयर होता है जो कि बॉल को हिट करता है अपने बैट की मदद से। और जो ऐश है उसको जो बेसबॉल है वो खेलना काफ़ी पसंद होता है, और वो ज़्यादातर और इसी वजह से पोकेबॉल को फेंकते वक्त भी ऐश बिल्कुल वैसी पोजीशन में वैसी स्टाइल में पोकेबॉल फेंकता है। और अगर आप ऐश के पोकेबॉल थ्रो करने के स्टाइल और बेसबॉल के जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक्स लेने वाले बॉल्स फेंकने वाले प्लेयर्स को देखोगे तो उनका जो स्टाइल है काफ़ी कुछ मैच होता है। तो इससे पता चलता है कि ये आखिर ऐश को ऐसा स्टाइल कैसे मिला। What is Ash favorite Pokemon typing? तो गाइस पिछले 20 सालों से हम लोग ऐश को देख रहे हैं, और ऐश काफ़ी इंस्पिरेशन कैरेक्टर है, और ऐश काफ़ी सारे पोकेमोन्स को प्यार भी करता है, मतलब सारे पोकेमोन्स को ही प्यार करता है। बट गाइस क्या आप लोगों को पता है कि ऐश की फेवरेट पोकेमोन टाइपिंग कौन सी है? मतलब 18 से ज़्यादा पोकेमोन की टाइपिंग है, बट इनमें से ऐश की फेवरेट पोकेमोन टाइपिंग कौन सी है, या ऐश का फेवरेट पोकेमोन कलर कौन सा है? ऑब्वियसली अगर गेस्ट करने की बात आए तो आप लोग शायद इलेक्ट्रिक टाइप कहोगे, क्योंकि ऐश का मेन पोकेमोन है पिकाचू और वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। या आप में से कुछ लोग कह सकते हैं फायर टाइप, क्योंकि ऐश कॉमनली अपने ज़्यादातर फायर टाइप पोकेमोन को ही इस्तेमाल करता है। बट गाइज ऐश का फेवरेट पोकेमोन टाइपिंग है ग्रास टाइप। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा किसी भी रीजन में ऐश ज़्यादातर ग्रास टाइप पोकेमोन को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बल्बसॉर, चिकोरीटा, स्नाइवी, ऐसे कई सारे पोकेमोन। तो ऐश का जो फेवरेट पोकेमोन टाइपिंग है वो है ग्रास टाइप। अब बात करते हैं ऐश के फेवरेट कलर की। तो गाइज ऐश का फेवरेट कलर है डार्क ग्रीन। तो इसी से पता चलता है कि ऐश को ग्रास टाइप पोकेमोन क्यों पसंद है। क्या ये बात आप लोगों को पहले से पता थी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई पोकेबॉल हर्ट जेसी। तो गाइज पोकेमोन तो को हम जानते हैं, मतलब पोकेबॉल को तो हम लोग जानते होंगे, जो कि बनाया गया है पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए, बट इंसानों को नहीं। तो गाइज हुआ कुछ ऐसा कि आप लोगों को याद होगा पोकेमोन के एक एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि एक पोकेबॉल जेसी के ऊपर आकर गिरता है, और वो पोकेबॉल ऑलमोस्ट जेसी को पकड़ने ही वाला होता है, मतलब जेसी ऑलमोस्ट उस पोकेबॉल के अंदर जाने ही वाली होती है। बट गाइज कैसे ना कैसे जेम्स और मैथ किसी तरह जेसी को बचा लेते हैं। बट गाइज यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली पोकेबॉल को बनाया जाता है पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए, तो आखिर ये जेसी पर यूज़ कैसे हुआ? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एंड आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वाई ओनली म्यूटू एंड मैथ आर टॉकिंग पोकेमोन? तो गाइज पोकेमोन तो हमने बहुत सारे देखे, बहुत सारे पोकेमोन पोकेमोन के एनिमे में, बट बात करने वाले पोकेमोन बहुत ही हम लोगों ने कम देखे। मतलब शायद दो ही पोकेमोन है, जो कि है मैथ और म्यूटू। वैसे तो मैथ की कहानी हम सभी को पता है, पोकेमोन के एपिसोड में वो दिखा दिया गया कि अपने चाहत को पाने के लिए मैथ काफ़ी मेहनत करता है और इंसानों की तरह बोलने की कोशिश करता है और ट्रेनिंग भी लेता है, इस वजह से मैथ इंसानों की तरह बोल पाता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि म्यूटू कैसे बोल पाता है, क्योंकि भले ही म्यूटू एक स्पेशल पोकेमोन है, लेजेंडरी पोकेमोन है, बट बाकी के लेजेंडरी पोकेमोन को बात करना नहीं आता। हालांकि लुगिया के बारे में हम लोग एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि लुगिया ने एक बार बात की थी, बट उसके बाद लुगिया को हमें वापस से टॉक करते हुए यानी कि बात करते हुए नहीं दिखाया गया। बट यहाँ पर म्यूटू कैसे बात कर रहा है ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वोले इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। वाई पैरासेक्ट आर मशरूम आर जोम्बी? तो गाइज आप लोगों को याद होगा कि एक पोकेमोन है जो कि है पैरासेक्ट, इवॉल्व होने के बाद वो बन जाता है पैरासाइट। और ये काफ़ी ज़्यादा एक फेमस थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि जो पैरासेक्ट है वो पैरासेट में इवॉल्व होने के बाद उसका जो दिमाग है उसके ऊपर जो मशरूम होता है वो उसके दिमाग को खा लेता है और पूरी तरह से जॉम्बी बदल जा जॉम्बी में
ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी जो आंखें है वो भी इनविजिबल हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। थोड़ी झूठी लगती है, थोड़ी मिथ लगती है, क्योंकि ऐसा आप सभी को पता होगा कि जो ज़ॉम्बी है उनका दिमाग नहीं होता, तो वो लोग कुछ सुन नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। बट यही पर जो पैरासेक्ट के जो ट्रेनर होता है वो अपने पोकेमोन को ऑर्डर देता है और वही ऑर्डर जो पैरासेक्ट है वो मानता है। तो अगर उसके पास दिमाग नहीं है, मतलब अगर ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो उसके पास दिमाग नहीं है, तो अपने पोकेमोन ट्रेनर की वो अपने ट्रेनर की बात कैसे सुन रहा है, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है गाइज। आप लोग क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हु इज टोबियस एंड टोबियस पोकेमोन? तो गाइज टोबियस एक कैरेक्टर है जो कि हमें सिनो रीजन में दिखाया गया था, यानी कि सिनो रीजन के टूर्नामेंट के आखिर में हमें दिखाया गया था, जिसने सिर्फ अपने लैटियोस और डाकड़े की मदद से पूरा रीजन यानी कि सिनो रीजन के टूर्नामेंट को जीत लिया था। बट गाइज टोबियस एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है और अभी तक पोकेमोन के एनिमे में हमें उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। वैसे तो टोबियस को लेकर काफ़ी सारी मिस्ट्री है, बट ये एक मिस्ट्री है कि आखिर उसके बाकी के पोकेमोन कौन से हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुइकून, रायको और लुकारियो जैसे पोकेमोन हो सकते हैं, बट गाइस ये अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। खैर मान लेते हैं कि ये पोकेमोन टोबियस के पास सचमुच है, बट एक्चुअल में टोबियस कौन है ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हो है और कुछ लोग कहते हैं ये म्यूटू ट्रांसफॉर्म होकर आया है, बट गाइस रियलिटी क्या है ये हम सभी में से किसी को नहीं पता। और जब तक पोकेमोन की जो कंपनी है ऑफिशियल कंपनी कुछ नहीं बताती, तब तक ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। आप लोगों को क्या लगता है कि टोबियस कौन हो सकता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यही थी आज की वीडियो, होप करता आप लोगों को पसंद आई होगी। आई नो मैं तो थोड़ा आउट ऑफ नोवेयर पोकेमोन से थोड़ा अलग ही चला गया था, बट होप करता हूँ मैंने जितने भी बातें बताई हुई आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगर आप लोग लगा कि मैंने थोड़ी लॉजिक की बात की है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बातें आप लोगों को पसंद आई है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर से फॉलो कर लेना। मैं बोलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।